जहाँ तक उनकी मृत्यु का सवाल है, ये अभी जो भी रिपोर्ट आएगी कि उनकी कैसे हुई, वो 2 दिन से हॉस्पिटल में थी, बीमार थी, तो ये कहना कि उनकी मृत्यु जो है कोई लापरवाही है क्या, मैं इसको नहीं मानता हूँ। उनकी मृत्यु हुई है, ये हम सब के लिए एक क्षति है। तो ये कहना कि इलाज में किसी प्रकार का वो नहीं है, यहाँ का पूरे प्रदेश का यहाँ के मेडिकल व्यवस्था बहुत अच्छी है और सुचारू रूप से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग को पहले से इसके इंतजाम करके रखने चाहिए, जबकि पिछले 5-6 साल से लगातार ये नज़र आ रहा है कि इस मौसम में, बदलते मौसम के अंदर स्वाइन फ्लू तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार ने किसी भी राजकीय स्तर पर कोई तैयारी नहीं करी और उसी का परिणाम है कि सवाई मानसिंह अस्पताल जैसे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर कोई इंतजाम नहीं थे। प्राइवेट एक विधायक, सरकारी पार्टी के विधायक को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी सरकारी लापरवाही के कारण। तो इससे ज़्यादा और क्या सरकार की लापरवाही का परिणाम हो सकता है? जो एक प्रेजेंट पार्टी की, रूलिंग पार्टी की विधायक के साथ नहीं हो तो आम जनता के साथ तो सरकार क्या स्वास्थ्य की सेवाओं को दे सकती है? ये आपदा है और ये कब आ जाए ये आपदा पता नहीं है। अब ये सामने अभी है कि ये जो मौत हुई है कीर्ति जी की, कीर्ति भाई साहब की, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि इनको तो सारी सुविधाएँ थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी नहीं, कुदरत ने नहीं हुई, कुदरत की मार। ये दुखद घटना है, बिल्कुल यंग 50 साल की उम्र, कोई उम्र नहीं होती जाने की। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है आम जन की रखवाली रखने की, जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। और स्वच्छता का ये नारा दे रहे हैं, स्वच्छता में इतने रुपये लगाए, जितने रुपये आज तक किसी भी काम में नहीं लगे हैं। चार पर स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और स्वच्छता का ये कारण है कि स्वाइन फ्लू बढ़ रही है, इसलिए इनको नैतिक दायित्व समझते इस्तीफा देना चाहिए और जनता की जान माल की रखवाली करके अपने जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इन सूरत हाल में कैसे बदलाव हो, आम आदमी को उम्मीद से इलाज कैसे मिल पाए, वक्त पर कैसे काम हो, सरकारी इंतजामों में क्या बेहतर हो सकता है, इन तमाम सवालों के बीच स्क्रीनिंग पैटर्न को लेकर आना चाहूँगा। डॉक्टर गोयल, अब आपका रुख करना चाहते जानना चाह रहे हैं, जो मौजूदा स्क्रीनिंग पैटर्न है तो इसको बदला जाना चाहिए, तमाम जो लाइन गाइडलाइंस दी गई हैं WHO की ओर से, क्या उनमें राजस्थान आते आते कोई बदलाव देखने को मिला है? अगर है तो फिर कैसे सुधारा जाए? नहीं अश्विनी जी, जो 2009 में जो सिचुएशन थी वो दैट वाज टोटली डिफरेंट। उस वक्त ये वायरस एज ए पेंडेमिक की तरह आया था। उस वक्त जो गाइडलाइंस थी, जब ये कहते थे कि हर जगह चेक पॉइंट पे एक ये लोकेलिटी है, तो गाइडलाइंस ये कहती थी कि कोई भी नए पेशेंट को जो कि H1N1 से इन्फेक्टेड है इस लोकेलिटी के अंदर नहीं घुसना चाहिए। इसके लिए एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हर जगह चेक पॉइंट बनाए गए थे ताकि आप ये नया वायरस लेकर के कोई भी आदमी उस लोकेलिटी में नहीं घुसे, उसको पहले ही रोक करके आइसोलेट करके उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए। लेकिन वो सिस्टम पूरा फेल हुआ। उस वक्त हर तरफ से पेशेंट इधर से उधर से आकर के हो रही है। आज के सिचुएशन ये है कि ये कम्युनिटी वायरस है, पूरी कम्युनिटी के अंदर फैला हुआ है, तो वो आइसोलेशन वाला बात तो मेडिकली अब बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहा गया, अपन इसको आइसोलेट कर दें कोई पेशेंट इसको। लेकिन होम आइसोलेशन जो है वो मेडिकल साइंस के हिसाब से बेस्ट प्रिवेंटिव पार्ट है। अगर कोई भी पेशेंट जिसको कि अगर फ्लू वाले H1N1 के या फ्लू लाइक कोई सिम्टम्स हैं, फ्लू लाइक इलनेस जैसे जो कि नॉन अनकॉम्प्लिकेटेड H1N1 जो बोल रहे हैं अपन उसको, इसके लिए गवर्नमेंट ने या WHO ने एक टर्म इजाद की है, फ्लू लाइक इलनेस FIL। अगर ऐसे कोई भी लक्षण किसी पेशेंट के हैं तो उनको होम आइसोलेशन करें। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा WHO इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही होगी, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल उसमें स्टेटमेंट में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स, रोगी के जितना जल्दी हो सके उतना उसके लक्षणों को आप पहचानें और उसको आइसोलेशन रखें। लेकिन साथ के साथ में कुछ प्रिवेंटिव पार्ट, हैंड हाइजीन, आप किसी रोगी को टच, जैसे किसी को सपोज करिए किसी के भी, मेरे किसी के भी अगर फ्लू लाइक इलनेस है, तो उसकी जो हाइजीन पार्ट है ना, वो इसको स्प्रेड को बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। आप ये यूजली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रही है, आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, आपके आसपास जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो एक बहुत बड़े रिस्क के ऊपर आ जाते हैं। इसके लिए कुछ CDC ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी है, अगर आप छींक रहे हैं या अगर खांस रहे हैं तो रुमाल या टिश्यू पेपर आप उसके ऊपर रखें।
बार बार हाथ धोएं, जितनी हो सकती हाथ धोएं, आप आइसोलेशन में रहें और बहुत ज़्यादा नज़दीक लोगों के आप संपर्क में नहीं आएं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका इन्फेक्टिव पार्ट, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इसकी इन्फेक्टिविटी कब होती है। सपोज करिए एक नए पेशेंट को खुद को बीमार होने से पहले ये दूसरे के लिए इन्फेक्टिव हो जाता है, एक दिन पहले तो वो इन्फेक्टिव हो जाता है, फिर अगर उसका 5 से 7 दिन तक उसका इन्फेक्शन पीरियड रहता है, पेशेंट बुखार से ठीक हो जाता है तो सबके संपर्क में आना शुरू हो जाता है, जबकि बुखार आने के बाद तक उसका इन्फेक्टिव पीरियड रहता है, 4 से 5 दिन 7 दिन तक इन्फेक्टिव पीरियड रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सरकार की ड्यूटी ये बनती है कि पब्लिक को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करवाए कि हाउ टू प्रिवेंट दिस डिजीज़। और जो बाकी जो सुविधाएं हैं, रही बात इसकी कि टर्सरी डेफिनेटली हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल, टर्सरी केयर राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ सारी सुविधाएं उत्पन्न अवेलेबल है, उम्मीद करते हैं कि वो सब चीज़ें हैं भी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ की कमी है तो सरकार। भाकर साहब, क्या ये तमाम चीज़ें मौजूद है आज सिस्टम में जो डॉक्टर साहब ने कही? जी, कहीं हम पिछड़ रहे हैं? जी, बड़ी सजग स्वास्थ्य मंत्रालय है, बहुत ही संवेदनशील सरकार है और हमारी बड़ी सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कि मुझे लगता है बाकी राज्यों के लिए एक नज़ीर है। जहाँ तक हमारी बात आई है कि पूरे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि एजुकेट करें एंड अवेयर करें। उसके लिए एक कैंपेन चलता है, पब्लिसिटी कंपेन, एडवर्टीजमेंट कंप्लेन, जो कि डिफरेंट मीडियम के प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों को सजग और बताया जाता है कि आप आपको बताया जाता है, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो आंगनवाड़ी केंद्र और कई जो सरकारी संस्था उनके द्वारा घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे करके उनको बताया जाता है कि अगर आपको ऐसी है तो इमीडिएटली आपको अगर कहीं भी जो ऐसा कि डॉक्टर ने बताया दे आर फ्लू और फ्लू लाइक सिम्टम्स, क्योंकि वायरस चेंज होता रहता है तो उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया, बोले जैसे डेंगू और चिकनगुनिया का कि डेंगू लाइक फीवर है, फीवर भले डेंगू नहीं पर डेंगू लाइक है। तो इसी केस में भी ये होता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो कृपया आप घर पे अगर इतना ज्यादा इंतजार ना करें और जल्दी से जल्दी अपने चिकित्सक के पास जाके अपने आप को दिखाएं, जांच करें और दवाई लें। और जैसे मैंने आपको बोला कंटेनमेंट का भी प्रोसीजर किया जाता है, अगर वहां हो जाता है तो उसको, उस व्यक्ति को उसके आसपास के एरिया में टेमीफ्लू दवाइयां वितरित की जाती है। ऐसा पहले कुछ एक सालों पहले हुआ था कि टेमीफ्लू एकदम मार्केट से गायब हो गई थी, अभी बिल्कुल नहीं है। सरकार पूरी संवेदनशील है, सरकार की पूरी कोशिश है कि हर जगह दवाइयां और इन्वेस्टिगेशन और टेस्टिंग किट इस अवेलेबल, लोगों की जांच हो रही है, नियमित रूप से हो रही है, सैंपल कलेक्ट होते हैं और 24 घंटे लैब काम कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, 24 घंटे लैब काम कर रहे हैं और वो टेस्टिंग हो रही है। साहब की बात का एक लेवल पे मैं समर्थन करना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मेरे अंडर में जितने भी पेशेंट H1N1 पॉजिटिव आए हैं, हमने हमारे अस्पताल से बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्टिंग की सिस्टम कर रखी है। सेम डे रिपोर्ट आते ही हम CMH ऑफिस में रिपोर्टिंग करते हैं और 99% केसेस के अंदर वेरी नेक्स्ट डे CMHO से टीम आई है और आकर के जो भी नियर डियर जो उनके केयर में जो भी हैं उनको ओसेल्टामिविर कैप्सूल सप्लाई किए गए हैं। आजाद साहब, ये सूरत हाल बयां किए जा रहे हैं, क्या आप इस इत्तेफाक रखते हैं या फिर कहीं ना इत्तेफाकियां भी होंगी? बिल्कुल ना इत्तेफाकियां इसलिए हैं कि मेरी चिंता उपखंड और जिला स्तर को लेकर अभी ज़्यादा है और वहाँ पर जो इंतजाम हैं वो नाकाफ़ी हैं। जांच के बारे में आप देख लीजिए, जांच की सुविधा चाहे आप कितने भी दावे करें, जांच की सुविधा जिला स्तर तक भी नहीं है तो उपखंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जिस तरह के कैंपेन जन जागरूकता के IEC के माध्यम से चलाए जा रहे थे पिछले कुछ सालों से, IEC का भ्रष्टाचार के चलते IEC विभाग लगभग नगण्य सा रह गया है, निष्क्रिय हो गया है। सबसे बड़ी बात जनता को जागरूक करने की है। अब एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य मंत्रालय का गाइडलाइन के दिशा निर्देशानुसार एक रैपिड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कई जगह काम करती है, रैपिड रिस्पांस टीम्स मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से बनाई जाती है जो काम करती है। अगर वो सभी जिलों में उपखंड स्तर पर इस तरह की टीम बना दी जाए, जब जानते हैं कि पूरा राज्य स्वाइन फ्लू के चपेट में है, H1N1 के चपेट में है, तो इन रैपिड रिस्पांस टीम की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है। और अगर ये जिम्मेदारी से, दायित्व से ये काम करेंगी तो हम इस जनहानि को रोक सकते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि पूर्णतया राज्य सरकार पर निर्भर न रहें, आप स्वयं भी जागरूक रहें। जब भी आपको लगे कि आपके सिम्टम्स कहीं ना कहीं संदेहास्पद हैं, आप खुद चिकित्सक के पास जाएं, खुद रेफरल हॉस्पिटल में जाएं और आप जाके आगे जाके संपर्क करें। सर्वेश्वर जी, कैंपेन को लेकर आपके सवाल थे दरअसल। बेसिकली क्या है कि ये हर चौराहे पे और पे बधाई संदेश जितने लगाते हैं, उससे बढ़िया स्वाइन फ्लू आने से पहले अगर वो संदेश लगा दिया जाए कि बचाव कर लें, ये कर लें, वो तरीके अपना लें,
डॉक्टर्स की जो टीम है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आज राजस्थान में है, उनकी एक टीम बना के एक हिसाब से कंपेनिंग की जाए, राजस्थान सरकार के पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो उसको आम जनता की स्वास्थ्य की रक्षा क्यों नहीं की जाए? आज और चाहे सुविधा जो भी है ना वो सब अपने प्राइवेट कर लेते, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस पर सरकार का नियंत्रण रहना जरूरी है और बीमारी होने से पहले उसको खत्म कर दी जाए। क्यों लगता है आपको कि नियंत्रण नहीं है? इनका बयान देख देख के लग रहा है आज विधायक मर गई, इससे ज्यादा और क्या होगा दुर्भाग्य इस देश राजस्थान का? क्या आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा आप समझो, जिसके लिए पूरा प्रशासन पूरा अमला जुटा हुआ है वो मर गए, तो आप आम जनता की क्या स्थिति होगी? क्या वजह लगती है? भाकर साहब ने कहा कि ये देरी से पता लगा था, कोशिशें हुई लेकिन बोलने से काम चलता नहीं। साहब जिसके घर में मर गया ना संवेदना, उसको उसको जाके पूछो कि उसका एक आदमी गया, बोलने में साहब 15 मर गए, 20 मर गए, 74 मर गए, ऐसे अपने आंकड़े बोलने में बहुत आसान रहते हैं, लेकिन जब किसी के घर पे कोई मरता है ना तब जाके उससे आत्मा सरकार है सकारात्मक है लगातार कहा जा रहा है। नहीं नहीं बोल, मैंने बताया ना बोलने में मैं बोल दूंगा ऐसे तो कुछ भी कि साहब हाँ कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, रिजल्ट्स रिजल्ट्स ये साहब रिजल्ट्स, इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, इसको रिजल्ट चाहिए, डिजिटल इंडिया आ गया पूरे विश्व स्तर पे, आज आप टीम गठित कर सकते हो, डिजिटल इंडिया आ गया, इसीलिए आप लोगों को बदला नहीं सकते, बहला नहीं सकते, फुसला नहीं सकते, जो भी प्रत्यक्ष है सामने मौजूद है साहब, कितना बड़ा बात है, हम तथ्यों पे आधारित बात करते हैं क्योंकि हमारे पास उसके सबूत होते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाली विधायक इनकी सरकार काम देहांत हो गया, राज्य के ग्रामीण अंचलों तक सरकार पहुंची, किसी मरीज का किसी बीमारी से ग्रसित होना उतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या वक्त पर वो इलाज उस मरीज को मिल पाता है, खासतौर पर ऐसे में जब एक बड़ा जनप्रतिनिधि हो, तो जाहिर है सवालों का सिलसिला यूं ही रहेगा। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद भी ये सवाल रहेगा कि क्या सरकारी रुख लापरवाह है, आपका जवाब क्या मिला, लेकर लौटेंगे जल्द। इसका सही तरीके से जांच होनी चाहिए और इनके जो है पुख्ता इंतजाम होने चाहिए कि स्वाइन फ्लू वगैरह बीमारियां जो संक्रामक रोग होते हैं इनका पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। जब मंत्री विधायक इनकी ही सुविधा नहीं है, केंद्र में भी देखो कि वो जो है प्रियंका गांधी को भी हो रखा है, तो इन जो बड़े बड़े लोगों को ही स्वाइन फ्लू और ऐसे संक्रामक रोग हो रहे हैं, तो साधारण आदमी को तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि उसको अच्छा इलाज मिल जाए। सरकार के सदन का सदस्य ही स्वाइन फ्लू से मौत हो जाती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर आम जनता का क्या हाल होता होगा। इसके अंदर यह है कि बिल्कुल चिकित्सा मंत्री कालीचरण जी सरावत को तुरंत जैसे ये खबर आई कि साहब स्वाइन फ्लू से एक विधायक की मौत हो चुकी है, तो इनको तो नैतिकता के आधार पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए।